संघ अंबेडकर के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत शिक्षा विभाग में रोस्टर रजिस्टर संधारित किए बगैर वर्तमान में जो डीपीसी पदोन्नति जो प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अजमेर के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया राजस्थान शिक्षा संघ अंबेडकर की अजमेर शहर इकाई द्वारा। मांग ये है कि लगातार ये देखा गया कि राज्य सरकार के समय समय पर स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी समस्त विभागों में शिक्षा और खासकर शिक्षा विभाग में रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा। हाल ही में 29 तारीख को कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें नाराजगी व्यक्त की गई जो समस्त विभाग जो हैं जो रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं कर रहे हैं जिसके कारण रोस्टर रजिस्टर संधारित नहीं होने के कारण सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में जो आरक्षण का जो प्रतिशत है उसकी सही गणना नहीं हो पाती, इसलिए विभागों में रोस्टर रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य है। उसी के तहत कार्मिक विभाग ने 20 अगस्त तक का सभी विभागों को अल्टीमेटम दिया था कि 20 अगस्त तक सबको रोस्टर रजिस्टर संधारित करना है और नहीं करने पर उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात कही गई थी। और इसी के तहत जो क्योंकि 20 अगस्त तक का सबको सभी विभागों को अल्टीमेटम दिया गया है परंतु शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया जारी है, तो हमारी ये मांग है कि बिना रोस्टर रजिस्टर संधारित किए जो शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया जारी है उसके बाद तुरंत रोक लगाई जाए, स्थगित की जाए और रोस्टर रजिस्टर संधारित होने के उपरांत ही पदोन्नति प्रक्रिया अमल में लाई जाए। नाम दीपक कुमार, अजमेर शहर अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर।